वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर आपसे बच्चों का पटेल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग गणित में ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल। ठीक, तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। द फिगर हुज बाउंडेड बाई थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्लियर है, थोड़ा इसको मैं और इधर बनाता हूं ताकि आपको और स्पष्ट पूरा बता सकूं मैं। यहां देखिए, ठीक है, ये आपका ए बी सी को ये त्रिभुज, क्या बोलेंगे, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। द फिगर हुज बाउंडेड बाई थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में तीन शीर्ष कौन, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, तीन भुजाएं। ठीक, तीन भुजाएं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी या भुजा सी ए, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। क्लियर है, त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं, तथा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्लियर है, होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष तीन भुजाएं तीन कोण होते हैं। शीर्ष बोलते हैं वर्टेक्स, भुजा को बोलते हैं साइड, और कोण बोलते हैं एंगल। ठीक है, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, तथा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। पच्चे बात क्लियर है, फिर से देखिए, व्हाट इज ट्रायंगल, द ट्रायंगल हुज बाउंडेड बाई थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, एंड द समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। द समेशन ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, नंबर एक भुजा के अनुसार आधार पर और दूसरा कोण के अनुसार। देखिएगा, नंबर ए पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ए पार्ट में पढ़ेंगे भुजा के अनुसार। ए में हम लोग पढ़ने वाले हैं भुजा के आधार पर, यहां लिए हेडिंग त्रिभुज के प्रकार डालेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले त्रिभुज के प्रकार टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर। ठीक है, या अनुसार कर दिए अकॉर्डिंग टू साइड। नंबर एक बेटा, इसमें तीन प्रकार का होगा। नंबर एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं,
सम मींस बराबर, बाहु मींस भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इक्वल होती हैं, उस त्रिभुज को हम जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक बेटा, जिसे हम लोग फिगर इसका बनाए हैं, तो फिगर हमारा इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। तो तीनों भुजाएं क्या है, समान है, इसीलिए इसे हम जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, दूसरा देखिएगा बेटा, सेकंड में आप लोग पढ़ेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं, कितनी भुजाएं, दो भुजाएं समान होती हैं, जैसे ये भुजा इसके बराबर हो गई, अगर मैंने इसे ए बोल दिया, इसे ए बोल दिया, ठीक, तो ये दो भुजाएं क्या हो गई, लेकिन ये विपरीत हो गई। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, तो एक भुजा अलग होती है। ठीक, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु में भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती हैं क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक बेटा, इसके बाद तीसरा इसका होता है, इसी के आधार पर तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसे हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है ये स्केलेन ट्रायंगल का, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है, फिर से एक बार देखिए, भुजा के अनुसार त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, नंबर एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा टाइप है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती हैं, उस त्रिभुज को हम जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, द ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्लियर है, इसका थर्ड टाइप होता है, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं या असमान होती हैं, उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न या समान होती हैं, उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। बच्चों, अकॉर्डिंग टू साइड भुजा के आधार पर के अनुसार आप लोग जो है इसका प्रकार देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चा, इसके बाद हम लोग जो है त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर, किसके आधार, बच्चा कोणों के आधार पर। देखिएगा ध्यान से क्या पढ़ने वाले हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक बेटा, इसको मेटे दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे, बहुत ही प्यार तरीके से बताएंगे आपको कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, ये तुम्हारा बी पार्ट होता है, ए में तुम्हारा किसके आधार, भुजा के आधार पर हो गया, अब हम करेंगे कोणों के आधार पर। नंबर एक, ये भी तुम्हारा तीन प्रकार का होता है बेटा, नंबर एक करेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। बेटा ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट
एक्यूट एंगल्ड एंगल्ड ट्रायंगल ट्रायंगल बेटा ये क्या होता है सुनिएगा, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? न्यून कोण होते हैं, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया ये तुम्हारा 50 है, ये 60 अंश है और ये 70 अंश है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण और योगफल 180 अंश होता है। अतः यहां देखिए 50 60 70 कितना हो गया, 180 अंश हो गया। और देखिए तीनों कोण आपके न्यून कोण है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्रिभुज बनने के लिए ध्यान रखना ये तीनों कोण का योगफल 100, त्रिभुज में तीनों अंतर कोण का योगफल 180 अंश होता है, इनका योगफल 180 अंश होगा, ध्यान रखिएगा। तीनों न्यून कोण हो गए अगर ये कोण, तो वही त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल हूज ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण या तीनों कोण न्यून कोण होते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। सेकंड देखिए, अच्छा बच्चों सेकंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समबाहु त्रिभुज हो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बेटा इसे हम लोग बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान रखिए बेटा इसका प्रयोग आप लोग जो है ऊंचाई दूरी में जरूर करोगे, इसी से विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसी से आपको निकलता पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा इस समकोण त्रिभुज में, ठीक। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण होता है यानी 90 अंश होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। द ट्रायंगल हूज ओनली वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ओके ना बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड आपका होता है अधिक अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक बेटा। क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। द ट्रायंगल हूज ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये तुम्हारी त्रिभुज की ट्रायंगल की पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, त्रिभुज में कभी भी दो समकोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दो कोणों का योगफल तुम्हारा 180 अंश होगा तीसरा कोण का जीरो होगा, कभी नहीं हो सकता है, इस त्रिभुज में कोई भी एंगल जीरो अंश का नहीं हो सकता है, ठीक ध्यान रखिएगा। तो किसी भी त्रिभुज में चाहे जैसा भी हो आपको दो समकोण नहीं मिल सकते हैं, एक ही समकोण मिलेगा, कभी भी आपके दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही अधिक कोण होगा अगर होगा तो, ठीक। लेकिन तीन आपके न्यून कोण हो सकते हैं, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखिए बेटा। त्रिभुज के बारे में आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे वीडियो देखिए पढ़िए। और बच्चों अगर आप लोग जो है हमारे इस चैनल में बिल्कुल नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत जल्दी आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पटेल क्लासेस बाहुबली या मैथ्स। इसके बाद जो है अगर आप लोग जो है हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि जो है हम आगे वीडियोस बनाएं तो आप लोग हम बताएं कि इसमें जो है कैसे क्या करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।